तो भाभी ये ब्रेकफास्ट आपने बनाया? हाँ ऐसी रस्म होती तो है। ठीक कह रहे हैं आप अरमान, तो नैना कुछ बना देना सबके लिए। सबसे बड़ी बहू है तो इस घर की रसोई पे तेरा सबसे बड़ा हक है ना? पर वैसे अरमान तुमने खाया तो होगा ना मेरी नैना के हाथ का खाना? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपके घर के होने वाले दामाद सिर्फ धोखे खाते या फिर इंसल्ट्स। वैसे इन्हें देख के लगता नहीं है कुछ बना पाएंगे। देखिए ना, इनका तो ध्यान भी कहीं और है। ऐसी दुखियारी सी शक्ल बना रखी है इन्होंने, कहीं नमक की जगह शक्कर डाल दिया तो हो गया सबका काम। इनसे नहीं हो पाएगा। चुप रहो। एक्सक्यूज मी, क्या बोला आपने? मैंने तुमसे कहा अपना मुंह बंद रखो। तुम्हें पता है ना मुझे खाना बनाना पसंद नहीं। मैं कोई रसोईया दिखती हूँ तुम्हें? हाँ नैना पुत्र, ये क्या तरीका है अपने देवर से बात करने का? अब भी तुम्हारी बदतमीजी गई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं बदली। तुम भूल गए मैं भाभी हूँ तुम्हारी, कोई नौकरानी नहीं। और ये बात ना अच्छे से अपने दिमाग में डाल दो, समझे? हो रहा है यहाँ? तुम चिल्ला क्यों रही हो? सासू माँ देखो ना कैसे कचरे जैसा नाश्ता बनाया है, ऐसा कैसे कोई खा सकता है? अब एक काम करो, वो सारे नौकरों को नौकरी से निकाल दो, एक को भी ढंग का खाना बनाना। बस नैना, इसमें कौन सी आफत है? इस घर में जितने भी बावर्ची है बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। देखा आप हमेशा ऐसा करती है, मैं कुछ भी बोलूँ ना आपको गुस्सा आ जाता है। मुझे तो लगता है मुझे चिढ़ते हुए देखना ना आपको बहुत पसंद है, है ना? है ना सासू माँ? बकवास किए जा रहे हो तुम? चुप रहिए। अब किसी की भी मनमानी नहीं चलेगी, जो मैं चाहूंगी वही होगा इस घर में। कैसन काका को बुलाइए। कर्सन, तुम कैसे जानती हो कर्सन को? हर बार उल्टे सवाल। हाँ सासू माँ, हर बार उल्टे सवाल। मैंने कहा ना आपसे चाहिए कर्सन काका को बुलाइए, मुझे उनके हाथ का खाना खाना है। तमीज से बात करो, हमने कर्सन को बाहर निकाल दिया है क्योंकि वो बुरे हो गए थे। कर्सन काका को निकाल दिया? 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 नहीं क्या बदतमीजी है ये? आपने उसे नौकरी से इसलिए निकाला क्योंकि वो बुड्ढे हो गए थे। बुड्ढी तो आप भी हो गई है, आपको भी घर से निकाल दूं? मेरी ये हिम्मत? मुझ पर हाथ उठाया। सठिया गई है तू? सठिया गई है तू? नैना, हाउ डेयर यू? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माँ के साथ इस तरह बिहेव करने की? बाहर निकल तुम्हारी माँ। रेहान, रेहान, इन्होंने कर्सन काका को नौकरी से निकाल दिया, मैं खाना कैसे खाऊंगी? तुम तो जानती हो ना मुझे कर्सन काका का खाना अच्छा लगता है। चलो जाओ कर्सन काका को बुला के लाओ। I don't care. आज के आज कर्सन काका को बुलाओ। एक मिनट, मैंने कर्सन को इस घर से बाहर निकाल दिया तो रेहान उन्हें वापस क्यों लेकर आएगा? इस घर में सारे फैसले मैं लेती हूँ, सिर्फ मैं। मेरी बात कान खोल कर सुनो नैना, मेरा बेटा तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनेगा। तो ठीक है, जब तक कर्सन काका नहीं आ जाते मैं खाना नहीं खाऊंगी। मैं अन्न का एक दाना अपने मुंह में नहीं डालूंगी। और तुम जानते हो ना रेहान, अगर मैंने खाना नहीं खाया तो तुम्हारा बेटा भूखा रहेगा।
तैयार हो ना अपने बेटे को धोखा देते हुए? तैयार होना तो मेरा बेटा भूखा नहीं रहेगा। करसन काका को वापस बुला लेते हैं। एक मिनट, कहाँ जा रहे हो तुम? करसन काका को लेने जा रहा हूँ। और कहाँ जा रहा हूँ? करसन काका को नौकरी से निकाला है ना, वही करसन काका को लेने भी जाएगा। मैं चाहती हूं कि आप करसन काका को लेने जाएं। What? Yes. फिर तुम भूखी रहोगी, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता। नहीं जाओगी तो रेहान से कह दूं कि आप उसके बेटे के कमरे में तकिए के साथ क्या कर रही थी। क्या घुस कर रही हो तुम? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझसे कुछ नहीं छुप सकता सासू माँ। मैं एक वक्त पर हर जगह रह सकती हूँ, और इस बार तो मेरे पास सबूत भी है। रेहान, एक्चुअली मुझे भी यही लग रहा है कि अपने पोते के लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। दादी हूँ ना, अपने पोते की खुशी के लिए मैं करसन को वापस ले आऊंगी। एक्चुअली मेरा भी तो हक बनता है, और मुझे भी खुशी होगी। जल्दी बुलाओ इधर। अब इस गटर में उस बुड्ढे को ढूंढना पड़ेगा मुझे। अरे हटो, दूर हो जाओ तुम लोग। चॉकलेट दो, ये दो, हटो तुम लोग, छुओ मत मुझे। बस चुप करो वरना एक लगाऊंगी। ए आंटी, मारेगी क्या? हाथ तो लगा के दिखा, फिर देख तेरी गाड़ी का क्या हाल करता हुआ। अब ऐसी छोटी सी बात के लिए तुम लोग धमकी क्यों दे रहे हो? चॉकलेट चाहिए ना? हाँ। मिलेगी, चॉकलेट भी दूंगी, पैसे भी दूंगी, लेकिन मुझे ये बताओ, ये करसन यहाँ कहाँ रहता है, उसका पता तो बताओ। चलो हमारे साथ। करसन काका, हम दोबारा से आपको नौकरी पर रख रहे हैं, लेकिन ये कभी उम्मीद मत करना कि आपके पैसे बढ़ा दिए जाएंगे। मैं वहाँ पर पैसों के लिए काम नहीं करता था, वो तो आहना बेबी चाहती थी करके मैं वहाँ पर काम करता था। और ऐसे घर में मैं काम कभी नहीं करता जहाँ नौकरों की इज्जत ना हो, और जहाँ बेमतलब चोरी का इल्जाम लगाया जाता हो। आहना बेबी के गुजर जाने के बाद आप लोगों ने मुझे काम पर से निकाल दिया। कोई बात नहीं, अब वही उस घर में नहीं है तो मैं वहाँ पर काम क्यों करूँगा? मैं वहाँ पर कोई काम नहीं करूँगा। और वैसे भी मैं जानता हूँ कि आपके मन में बहू रानी के लिए कितना मुटाव था। देखिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मेरी गलती की सजा आप उस मासूम बच्चे को क्यों दे रहे हो? मैं आपसे विनती करती हूँ, आप प्लीज उस बच्चे के लिए घर वापस आ जाइए, क्योंकि वो बच्चा आहना का है। क्या? आहना अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उसकी आखिरी निशानी अब भी उस घर में मौजूद है। क्या उस बच्चे के लिए आप घर वापस नहीं आएंगे? वो बच्चा आना बहुरानी का है। हाँ, तो मैं चलूंगा आप लोगों के साथ। चलिए। करसन काका, आप आ गए? कहाँ चले गए थे? हा?
कैसे काका? आप आ गए? आप क्यों चले गए थे? सुशीला काकी केम छे? तमे काम छोड़ी ने केम जता रिया था? अरे पण हूं तने ओळखतो नथी। आपने मुझे नहीं पहचाना? अरे मैंने तो खाली एक ही इंसान को पाला है, आना को। बस खाली आना को ही पाल पोस के बड़ा किया है और किसी को नहीं। मैं आपको नहीं जानता हूं भाई। मैं आपको नहीं जानता हूं। सॉरी, मैं आपको नहीं जानती। मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। आप कौन है? आप कौन है? क्या मतलब? अभी तुमसे बात कर रही थी, इनका हालचाल पूछ रही थी। मैंने पहली बार आज मिल रही हूँ इनके बीवी बच्चों का नाम। हाँ, कैसे? तेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, चल तू आराम कर ले। छोटू को भूख लगी होगी, मैं उसे दूध पिला के आती हूँ। अच्छा अच्छा, मॉम ये करसन को तो आहना भाभी ने रखा था ना, तो ये नैना उसे कैसे जानती है? जो लैंग्वेज कभी सीखी नहीं वो कैसे इतनी इजीली बोल लेती है? इट्स इम्पॉसिबल मॉम। या तो इसे कोई दौरा पड़ा है या फिर क्या हो गया? तो रुक क्यों गया? क्या सोच रहा है तू? नहीं मॉम, जो मैं सोच रहा हूँ वो बहुत अजीब है, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, और वही हुआ होगा। आहना नैना की दोस्त थी, अगर हमसे छुप कर आहना नैना को जननी बना सकती है तो जाहिर सी बात है कि हमारे घर के बारे में, हमारे परिवार के बारे में उसने सब कुछ उसे बता दिया होगा। मॉम ये तो बहुत चालू निकली। लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं है ना? उसकी चोरी पकड़ी गई है, इसलिए अब ये खेल हम दोनों खेलेंगे। चलो, कम से कम हमें ये तो पता चल गया कि उसकी चाल क्या है, इसलिए इस बार रणभूमि में मैं उससे मिलूंगी, और उसे पता भी नहीं चलेगा कि उसके पैरों तले जमीन कैसे निकल गई। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।